गुड मॉर्निंग बच्चों, हम ये लेसन पढ़ चुके हैं मेरी किताब। इसके हमने न्यू वर्ड्स और वर्ड मीनिंग सब कर लिए हैं। आज हम इसकी बुक की एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज है आपकी पेज 43 पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बातें किताबों की। ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं बातें किताबों की। इसके नीचे लिखा है बाप रे इतनी किताबें। इसके आगे क्वेश्चन पूछा गया है क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं कहाँ। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं कहाँ। इसका आंसर है हाँ, मैंने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। मैंने ये किताबें स्कूल के पुस्तकालय में देखी है। पुस्तकालय बच्चों लाइब्रेरी को कहते हैं। अपने स्कूल में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें आप गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारी किताबें अलमारियों में लगी हुई हैं। तो आपने ये किताबें स्कूल की लाइब्रेरी में या स्कूल के पुस्तकालय में, पुस्तकालय बोलते हैं उसको, पुस्तकालय में देखी हैं। तो मैंने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। मैंने ये किताबें स्कूल के पुस्तकालय में देखी हैं। बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों। क्वेश्चन यह है कि तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों। तो इसका उत्तर है बच्चों हाँ, मेरे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें हैं। उनमें से मेरी मनपसंद किताब हिंदी व अंग्रेज़ी की है, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ वे सुंदर सुंदर चित्र हैं। बच्चों आपके बस्ते में हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, बहुत सारी ड्राइंग बुक, बहुत सारी किताबें होती हैं। तो उनमें से आपकी मनपसंद किताब जो मैंने अपनी तरफ से ही सोच के लिखा है कि अंग्रेज़ी और हिंदी की है, इंग्लिश और हिंदी की, क्योंकि इनमें अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं। अभी हिंदी में आप 2-3 स्टोरी पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है आपकी बुक्स में, हल्दी वाली स्टोरी है, कर्ली लॉक्स की है, तो ये सब अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं। सुंदर सुंदर चित्र भी इसमें बने हुए हैं। ये सब चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो आपकी मनपसंद किताब हिंदी और इंग्लिश की मैंने लिखा है कि क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं और सुंदर सुंदर चित्र हैं। बच्चों आज का काम है कि आप इन सभी प्रश्नों को लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू बच्चों, ओके, आपका दिन शुभ हो।